नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। श्री अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन एवं डॉक्टर श्री संतोष डेहरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्रीमती ख्याति मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के मार्गदर्शन में थाना माधव नगर द्वारा सघनता से वाहन चेकिंग में 5 लाख रुपए नगदी और 10 स्थायी वारंट अवैध शराब परिवहन करते 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के पालन में माधव नगर पुलिस निरंतर कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों से मुखबिरों की सूचना पर 4 आरोपियों से 117 पाव अवैध शराब कीमती 11,300 रुपए की सार्वजनिक स्थान में शराब पीते एक व्यक्ति को पकड़ा है। पकड़े गए 5 आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार सघनता से वाहन चेकिंग के दौरान माधव नगर चौराहे के पास TUV कार में सवार व्यक्ति के वाहन की चेकिंग की गई। गाड़ी के सीट पर रखे बैग को चेक करने पर 5 लाख रुपए नगद पाए जाने पर दोनों कार में सवार व्यक्तियों से इतनी नगदी रखने और लाने ले जाने का कारण पूछा गया, जिन्होंने नगदी रखने का कारण बताया। पुलिस को युक्तियुक्त लगने पर उक्त रकम वापस उन्हें सुपुर्द की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान वारंट तमीली में माधव नगर पुलिस महज 12 घंटे में 10 स्थायी वारंट की तमीली की है, जिसमें से 3 स्थायी वारंट 10 से 12 साल पुराने मामले के आरोपी हैं। बाकी 7 स्थायी वारंट जो कि 3 से 4 साल पुराने मामले में पुलिस को आरोपियों की तलाश थी, जिन्हें पकड़ने व तामील कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उपरोक्त कार्यवाही में अनूप सिंह ठाकुर निरीक्षक थाना प्रभारी माधव नगर महेंद्र जायसवाल, चौकी प्रभारी जिंजरी विष्णु शंकर जायसवाल, उप निरीक्षक राकेश पटेल, उप निरीक्षक राजेश बागरी, सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक रवि मोहन, पवन आशीष श्रीवास, सुग्रीव बड़गैया, आरक्षक सनोज चंद्रेश, सुभाष गौरव गिरी एवं आदर्श बघेल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।